भाइयों हेलो हाय माय नेम इज कुलदीप कुमार वर्मा ब्लॉक बाराबंकी से। भाइयों मैं अभी जो है पूरागिरी माता जी के दर्शन करके लौट रहा था, तो हमने सोचा चलो देखते हैं एक बार नेपाल के बॉर्डर पे जा करके देखते हैं क्या है। तो भाइयों मैं अभी देखिए नेपाल के बॉर्डर पे आ चुका हूँ और सहायक सादा नदी जो है देखिए कितना इसमें जल निर्मल जल जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा है। देखिए और वो ऊंची पहाड़ियाँ देखिए सामने से दिख रही होंगी आपको, ये ऊंची बहुत पहाड़ियाँ हैं। और हम लोग अभी नेपाल के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को कुछ दिखा दूँ। देखिए यहाँ श्रद्धालु लोग जो है सब बॉर्डर पे अपना आनंद लेते हुए और आगे देखिए हमारा भाई पुलिस बल भी लगी हुई है बराबर जनता की सेवा में। और उधर से अभी हमें उस रास्ते से जाना है। प्रदीप राणा जी जी मैं उसी रास्ते से भी निकलूँगा, क्या हमारा बॉर्डर है? अच्छा हाँ बॉर्डर जी, यहीं से निकलते हुए उधर को तो अब निकलने की तैयारी की जाए। बिल्कुल ठीक निकलने की तैयारी की जाए ना। यस भैया आ गए। नमस्कार मैं प्रदीप राणा एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और ताकि हम नए नए अपडेट आपके पास भेजते रहें। इसलिए हम लोग अब चल रहे हैं आगे की ओर दिखाते हैं। चलिए हाय गाइस आगे की ओर चल रहे हैं हम लोग। बोलिए भैया जी बोलिए, कहीं देख रहे बताइए। बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं नेपाल के बॉर्डर के भाई? अब हम लोग भैरव बाबा के मंदिर पे जाने के लिए निकले हुए हैं। देखिए ये डैम कितना बड़ा है भाइयों, इधर से और उधर दिखाइए ना कैमरामैन। हाँ वो देखिए डैम वहाँ लास्ट में सब दिख रहा है जी। बिल्कुल वही सब है, बहुत बड़ा है लेकिन ना 1 किलोमीटर का है समथिंग। हम लोग इसी रास्ते से भी निकलेंगे भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए। वो पानी उधर नेपाल जाता है कौन सा? अगर एक ही रास्ते से जल को भेज दिया ना तो दिक्कत जी। बिल्कुल ये हमारा अभी बॉर्डर है, मैं अभी उस बॉर्डर के उस पार खड़ा हुआ था, अब मैं बॉर्डर के उस पार आ चुका हूँ। अब हम लोग नेपाल के बॉर्डर में पहुँच चुके हैं, अब जो है शारदा नदी को क्रॉस करते हैं। ये देखिए तो भाई बहुत बड़ा पुल है, ये देख लीजिए, ये इधर देखिए भाई, इधर पानी नहीं है यार, डैम बंद है इधर का पूरा डैम बंद। हाँ जी पूरा डैम बंद हुआ है। हाँ उधर चाह रहा है ना पानी साथ में चलिए भैया जी, अंगुली पकड़ के चलिए नहीं तो हो जाओगे। ये देखिए भाई साहब कितना ये देखो पहाड़ देख रही है। भाई मैं एक यार बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ये जो डैम बना हुआ है जी, डैम बहुत ही सुंदर जी और सुशील दृश्य नजर आ रहा है। बिल्कुल ये पानी कितना उफान दे रहा है, उछल रहा है जैसे समुद्र का पानी नहीं उछलता है जी। हाँ वैसे ही देखिए पानी है पत्थरों से टकरा के पीछे आ रहा है जी, और कितनी स्पीड में पानी निकल रहा है, बहुत जबरदस्त उछाल। देखिए पहले उछाल बहुत जबरदस्त। देखिए संतोष भाई देखिए यहाँ, और हमारे कुछ श्रद्धालु लोग देखिए उसमें नहा भी रहे हैं। बिल्कुल देखिए वहाँ पे डुब्बी लगा रहे हैं जी बिल्कुल अरे धारा के साथ डुब्बी लगा रहे हैं जी। बिल्कुल तो क्या बता रहे थे अंकल आपकी पुल डैमेज है? कहाँ डैमेज है यार, देखिए सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं बराबर और हमें बता रहे हैं कि डैमेज है। अरे हमें लग रहा है हकीकत में डैमेज है क्या? क्यों संतोष भाई देखिए डैमेज है क्या? कुछ नहीं
अच्छा 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 सब ठीक है। हाँ देखिए देखिए सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हम नेपाल भी पहुँचेंगे। हम लोग जो है भैरव बाबा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। चेतावनी दी हुई है जी बिल्कुल बिल्कुल। रेलिंग मत पड़ है, रेलिंग जो है खतरे की है। ये देखिए खतरे की है। ये पुल है नेपाल का, पूरा पुल दिखाएंगे कितना लंबा। उधर दिखाइए थोड़ा वायर जो एक वायर जी। हाँ देखिए कितना टेक्निकल काम, उस वायर के सहारे सहारे पूरा बैंड बंद कर दिया है ना। हाँ यहाँ से पानी खोल पानी तो फिर बचेगा सारा नेपाल। पानी के बहाव को रोकने के लिए ही डैम बनाया गया है। हुआ ना हायर ये देखिए। हाँ नहीं नहीं देखिए वहाँ भी है ये अपने नेपाल। अब यहाँ से चालू हो जाएगा, अब यहाँ से नेपाल चालू, अब यहाँ से चालू होगा। हम लोग प्रवेश करने वाले हैं बिल्कुल उस पार। जी जी पानी जितना है इंडिया में जी। ये नेपाल है उस पार जो है, उस पार नेपाल, इधर इंडिया, उधर इंडिया जी, उधर भारत, इधर नेपाल। देखिए सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, शासन की तरफ से। यहाँ पर देखिए सुरक्षा जांच चौकी बैठाई गई हुई है। श्रद्धालुओं के लिए दिखाओ इंडिया का, जो कोई नहीं इंडिया का झंडा दिखाई दे करना, झंडा है गांधी जी ये देखो है। हाँ ये झंडा, ये झंडा, इधर झंडा। आइए 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 नेपाल में आ चुके हैं हम लोग जी। ये आधार छुपा देता हूँ और बाकी चार आदमी बाहर जाए। ये देखिए यहाँ जो है बिना आधार के एंट्री नहीं हो रही है कुलदीप भैया। टाइम स्टार्ट। हाँ देखिए यहाँ पे जो है जांच चल रही है, चल रही है। बिना आधार के एंट्री नहीं हो रही, एंट्री कराना पड़ेगा ना। एक एक आधार कार्ड की एंट्री पर दो से तीन लोग जा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे बॉर्डर में आ चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वो अपनी अपनी एंट्री करा रहे हैं हुए। अब आगे की ओर दिखाते हैं, अब आगे की ओर दिखाएंगे। अभी थोड़ा हम लोग नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं। इसी जगह से ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।